जिन्या पंचायत संधवा की गल करचै लगभग करोड़ों रुपए की लागत कन्नै विकास कार्य जिहड़ा है वह हो चुके दा इं करोड़ों रुपए की लागत कन्नै अज जिहड़ा है इत्थे हुण पीने की पानी की समस्या जिहड़ी उहदे कोला निजात मिली जाणी है। सरपंच भावना जसरोटिया हुंदे प्रयासे कन्नै जिहड़ा है अज इस पंचायत संधवा दे विच लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत कन्नै जिहड़ी है पानी की समस्या हल जा करती है। ट्यूबवैल जिहड़े ने वह लगा करते हैं जियां तुसीं मेरे पिछे दिखा करते हो और इत्थों दियां सरपंच भावना जसरोटिया होरी और पूर्व सरपंच योगेश होरी जिहड़े हैं उन्हें उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय लोग भी जिहड़े हे वह मौजूद रहे, उन्हें खुशी जाहिर की है कि पहला ट्यूबवैल जिहड़ा 1992 लग्या और उसके बाद जिहड़े हे अज तक जिहड़े ट्यूबवैल जिहड़े ने डेड हो चुके थे और उसके पानी नहाउण दा, लेकिन बड़ा वड्डा प्रयास है पंचायत चंदवा दे सरपंच दा कि अज जिहड़ा उन्हें लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत कन्नै जिहड़ा है इत्थे ट्यूबवैल बनना है और इस ट्यूबवैल कन्नै जिहड़ा लगभग तकरीबन जिहड़ा है 600 के करीब जां इहदे कोला ज़्यादा घरें कोला जिहड़ा है गाएं की जिहड़ा ग्राएं की जिहड़ा है हुण इत्थे लोकें की पानी लुभना शुरू हो जाना है। अस कई बार ग्रां कंढी क्षेत्र जांदे हे पानी की समस्या कन्नै लोग जूझदे हे, लेकिन मिगी लगदा है कि करोड़ों की लागत कन्नै अज जिहड़ा है पानी की समस्या जिहड़ी है ट्यूबवैल जिहड़ा बन जा करदे ते कन्नै समस्या जिहड़ियां ने उह हल आंगन। आने वाले दिनों भी इं प्रयास जो पंचायत चंदवा दे रोआ करते हैं आओ दिखचे कि झलक जिसे उद्घाटन भी होया और सरपंच होरें केक लाया। लेकिन पानी की समस्या काफी दिन की ही सू चली दी। ये ट्यूबवैल सन 1958 का बने दा है पुराना और इसी वजह कन्नै इतना पानी है ये पूरे इलाके की इतों कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर डायमीटर से पानी जाता है इतना, लेकिन ये बेही है थोड़ा टाइम हो गया डेड हो गया। उसके बाद उपर बनाया तला के कोल ठाकरपुर वह भी डेड हो गया। एक सारा खड्डा का बिच पेदा बने दा वह पुले का कोल वह भी पानी हुण ले पिया रेता देन। इस वास्ते असें थोड़ी जी पंचायत ने थोड़ी स्ट्रगल की इस जिहड़ी बैल्ट च पानी बहुत है इस वास्ते असें इत्थे गै कोशिश की ने क्योंकि इत्थे रिजर्वेयर बाग भी बने दा मकान भी बने दा दूजा ये भी शैड बने नज़दीक बिजली ट्रांसफार्मर भी है। ये महकमे की थोड़ी मतलब खर्चे बचाने वास्ते ये चीज़ इतने लगी है कि असं गवर्नमेंट की बड़ी शुक्रिया अदा करने खास करके ये पंचायत का असं शुक्रिया अदा करने जिन्हें काफ़ी मेहनत की स्ट्रगल की बाद ट्यूबवैल सू मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि मेरे बुज़ुर्गों ने अभी बताया कि ये ट्यूबवेल जो है ये 1958 में बना था तो इस कारण यहाँ से सप्लाई जो है हर जगह जाती थी, लेकिन अब ये समस्या जो है जब पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि हम बता नहीं सकते हैं, हर दिन आए दिन हमें ये पानी जो है उसकी कमी महसूस होती रहती थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रयास किया और मैं डिपार्टमेंट का भी जल शक्ति मिशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ में गवर्नमेंट का कि उनके प्रयासों से ये आज जो है वो हमें ये ट्यूबवेल जो सौगात में मिला है। तो बाकी हमारे यहाँ के लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। बाकी समस्या जो है वो हम यही प्रयास करते रहेंगे कि जो भी हमारे सामने समस्या आएगी उसका हम हल करेंगे, जैसा कि ये इस ट्यूबवेल के तौर पर किया है। धन्यवाद। सबसे जो यहाँ हमारा बेसिक एमिनिटी है, बेसिक जो ज़रूरत है यहाँ पानी की है, तो हमारे इलाके में बहुत ही किल्लत रहती थी पानी की। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया कि यहाँ सबसे पहले ट्यूबवेल चंदवा में जो 1958 में निकला था, लेकिन ये ट्यूबवेल किसी कारणवश वो समय बीतता गया और ट्यूबवेल जो है वो डेड हो गया, बैठ गया ये ट्यूबवेल। उसके बाद हमारे इस पूरे इलाके को समस्या हो गई पानी की, क्योंकि पानी के बिना ये ज़िंदगी कोई जी नहीं सकता। हमने प्रयास किया, पंचायत ने हमारी ने प्रयास किया, लोगों ने पूरा साथ दिया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सेंक्शन होती है उसके बाद लोगों से मशवरा किया गया, लोगों को मीटिंग कॉल की गई, हमने यहाँ
और लोगों को पूछा कि हम इस ट्यूबवेल को कहाँ निकालें, चंदवा में निकालना है कहाँ निकालें, तो लोगों ने एक ही फैसला एक ही मत में इन्होंने एक रेजुलेशन डाला, लिख के दिया कि जो हमारा पुराना ओल्ड स्टेशन है वहाँ जो हमारी एक लैंड भी अवेलेबल है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि लैंड का बहुत बड़ा इशू रहता है कहीं भी हो, आज तो सरकारी हमारी पंचायत में कोई सरकारी लैंड तो है नहीं, तो हम उसका जो कोई भी पॉइंट निकालें या ड्रिलिंग करवाएं तो उस जगह निकाल लें, लेकिन ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट के ही हमारे लोगों ने डोनेट की है, ये हमारी पर्सनल लैंड है, ये डोनेट की थी डिपार्टमेंट को, तो लोगों ने फैसला किया कि हमारा पुराना जो जगह है ट्यूबवेल की, जो पुराना ट्यूबवेल लगा हुआ था, पुराना जो अब डेड हो गया, उसी जगह पे इसको ड्रिल किया जाए और ताकि लोगों को जो पानी की समस्या है उसका निवारण हो, और इस जगह से ट्यूबवेल जो है वो पानी जो है हर जगह हमारे पूरी पंचायत को डिस्ट्रीब्यूट हो, इवन देन के चढ़वाल को भी पानी जहाँ से जाता है, और इसके पहले हमने जो प्रयास किया बलाड़ में भी, हमारी जो हमारी पंचायत का विलेज है बलाड़ में एक ट्यूबवेल निकाला, अभी पहले वो एक पॉइंट जो है तो उसका वो पानी ठीक नहीं निकला वहाँ, लेकिन फिर से हमने प्रयास किया और दोबारा एक पॉइंट और दूसरी जगह पे हमने उसको भी ड्रिल करवाया, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी पंचायत का जो पानी की जो समस्या है वो परमानेंट हल हो। अब रह गई अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ट्यूबवेल तो हमारे पास हो गया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का आगे देखेंगे कैसे कैसे इस कनेक्टिविटी लोगों से मशवरा करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको पाइप को कनेक्ट करना है, कहाँ कैसे कैसे सप्लाई देनी है लोगों। कितनी लागत से ये बन रहा है? ये लगभग 1 करोड़ की लागत से ये ट्यूबवेल निकलेगा, 1 करोड़ की लागत जहाँ इस ट्यूबवेल पे लगेगी, तो इसमें से कितने घरों को जो है वो ये ट्यूबवेल फीड करेगा, लगभग हमारा यहाँ चंदुआ विलेज में है 300 घर को इस ट्यूबवेल की फैसिलिटी जो अवेल होगी, क्योंकि 300 घर जो होते हैं बहुत बड़ा एक टाउन होता है, बहुत पॉपुलेशन भी थिक पॉपुलेटेड हमारा विलेज है, लगभग 1500-1600 के आसपास हमारी यहाँ पॉपुलेशन है, उसके अलावा ये चढ़वाल को भी, हमारे यहाँ चढ़वाल बाजार है वहाँ भी इसका पानी जाएगा, कुछ हमारा एरिया है वो ठाकुरपुरा विलेज है उसका भी एक जो एक मोड़ा है उसको भी इस यहाँ से पानी जाएगा, और मैं इतना ही कहते हुए मैं फिर से अपने जितने भी जहाँ लोग आए हुए हैं हमारे गाँव के, इनको एक बहुत ही बहुत बड़ी तमन्ना थी कि ये हमारा ये ट्यूबवेल निकले इसी पॉइंट पे निकले, तो मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने पहले भी समय निकाला, आज भी जब हम शुरू कर रहे हैं तो आज भी इन्होंने अपना समय निकाला, और ये मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी, शुक्रिया, जय हिंद।